गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंप्यूटर क्लास 4 लेसन नंबर 1। हमारे टोटल लेसन है 8, जिसमें हमारे एग्जाम में आएंगे ओनली नंबर 4 लेसन। ओके, तो हम 4 लेसन आराम से इनको 2 से 3 वीक में, 2 से 3 बार में इसको करेंगे। एक बार में करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझेगा नहीं, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान से देना है, बुक्स लेके पढ़ना है, नोटबुक कंप्लीट अपनी करनी है जो वर्क मैं दूंगा। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1, इनपुट्स प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर के पूरे हार्डवेयर डिवाइस है, उनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन डू वेरियस वर्क्स एट अ टाइम। वी कैन सी कंप्यूटर एवरीवेयर अराउंड अस, सच एज ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, ईटीसी। इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड ऑल्सो वर्क वेरी फास्ट। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाई दी यूजर, प्रोसेस देम अकॉर्डिंग टू गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट। हम शुरू से देखो क्या बोल रहा है कंप्यूटर सिस्टम, क्या आता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है। ओके, वो बहुत सारे काम, वेरियस काम कर सकते हैं सेम एट एट ए टाइम, मतलब एक समय में बहुत सारे काम कर सकती है। वी कैन सी कंप्यूटर एवरीवेयर अराउंड अस, सच एज ऑफिसेस, कंप्यूटर, हॉस्पिटल्स, बैंक्स। आजकल जाके देखें ना, हर जगह आपको कंप्यूटर दिखेगा, बड़े बड़े ऑफिस में, हॉस्पिटल में, बैंक में देखेंगे तो कंप्यूटर से पूरा होता है, एयरपोर्ट में भी देखेंगे तो पूरा कंप्यूटराइज काम होता है। तो आज के समय में मैक्सिमम अपना काम कंप्यूटर के थ्रू होता है। अपना कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देता है और बहुत जल्दी, वेरी फास्ट देता है। गलती कब होती है? जब हम ह्यूमन ही कोई गलती करेंगे तो वो गलती होगी, वो कंप्यूटर से गलती नहीं होती। इट्स वेरी एक्यूरेट एंड वेरी फास्ट, काम भी बहुत जल्दी करता है कोई भी कैलकुलेशन। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा इंस्ट्रक्शन गिवन बाई दी यूजर, प्रोसेस देम अकॉर्डिंगली एंड गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट। ये कोई एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर पर, जैसे इंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हम कीबोर्ड पर टाइप करके देते हैं, तो वो प्रोसेस करती है और उसका मीनिंगफुल रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग देती है। हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे स्कूल में भी कंप्यूटर में कुछ टाइप करेंगे, ए लिखेंगे तो आउटपुट आके अपने मॉनिटर पे ए दिखता है। कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ डिवाइस। 4 डिवाइस से कंप्यूटर बना होता है, ध्यान से देखेंगे। इनपुट डिवाइस, जिससे कोई भी चीज हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इनपुट डिवाइस में आते हैं कीबोर्ड और माउस। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग जो सीपीयू होता है, जिसमें कोई भी कैलकुलेशन पूरा होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिसमें अगर कोई भी इनपुट करते हैं और उसका आंसर बाहर आता है, आउटपुट आता है। जैसे हम ए लिखते हैं तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में ए दिखने लगता है, तो कंप्यूटर आउटपुट होता है। और स्टोरेज डिवाइस, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन जो भी हम लिखते हैं ये सब कहाँ जाके स्टोर होती है, उसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो 4 हिस्सों में कंप्यूटर को इसने बांटा है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। ओके, हम इस बारे में ये चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। ओके, आज हम इनपुट डिवाइस के पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। 2 टॉपिक आज पढ़ेंगे, 2 टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर, देखो डेफिनेशन इनपुट डिवाइस की, द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। गुड, जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन जिस डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। किस चीज से हम डालते हैं? मेनली कंप्यूटर में कोई भी डाटा किस चीज से करते हैं, हम टाइप करते हैं अक्सर कीबोर्ड से डालते हैं, जो कीबोर्ड दिख रहा है। अब इट इज कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर बाई टाइपिंग। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। क्या बोल रहा है? कोई भी चीज, इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर के अंदर डालना है तो हम कीबोर्ड पे टाइप करके डालते हैं, कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होती है 104 टाइप की कीज होती है, जिसमें नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं और कुछ डिफरेंट कीज होती है, फुल स्टॉप, कॉमा, इस सब के भी इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग की से कीज होती है। अब सेकेंड इनपुट डिवाइस आती है माउस। वी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट ऑन द माउस। माउस देखो हिलाते हैं ना कीबोर्ड, आजकल माउस वायर के साथ आता है, वायरलेस भी आता है, तो कोई भी चीज को क्लिक करना है तो डायरेक्ट, अब माउस, पहले कीबोर्ड ही होता था तो हम कर करके ऊपर ले जाते थे जो एरो होते थे, लेकिन अब माउस आने से डायरेक्टली वर्क इजी हो गया। हम कर्सर को ले जाके कोई भी चीज पे जाना है उस पर क्लिक करके उसको खोल लेते हैं। वी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट ऑन दी कंप्यूटर। किससे करते हैं? माउस से। अब आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। जब हम माइक में कुछ बोलते हैं, ठीक है, कोई वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो माइक से रिकॉर्ड करते हैं और वो कंप्यूटर में सेव होता है फिर बाद में उसको हम सुन सकते हैं आउटपुट में, स्पीकर पे।
इट इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। कोई भी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक पे बोलते हैं, रिकॉर्ड होता है। जैसे मोबाइल पे भी हम बोलते हैं ना, तो हमारा जो माइक होता है उस पर रिकॉर्ड होता है म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ये माइक में बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है और जिसको हम बाद में सुन सकते हैं। सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर जॉयस्टिक, स्कैनर, टच पैड एंड लाइट पेन। उसके बारे में पढ़ेंगे। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक मेनली कई घरों में बच्चे गेम्स खेलने के लिए यूज करते हैं। कोई भी गेम्स खोलने के लिए इस तरीके के बटन होती है और हम गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक हम यूज करते हैं। स्कैनर, स्कैनर किस लिए होता है? कोई भी फोटो वोटो हम कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए, स्कैन करके। स्कैनर मीन स्कैन करना। हम करते हैं ना, जैसे घर में भी पीडीएफ फाइल किसी चीज की बनानी है तो क्या करते हैं, पेरेंट्स उस पर फोटो खींचते हैं, वो स्कैन होता है, फिर वो फाइल बनती है। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर कुछ डालनी है तो स्कैनर एक तरीका डिवाइस होता है। यहाँ फोटो या जो भी फाइल हो उसको रख के इसको बंद कर दिया जाता है, फिर ये फाइल स्कैन करके ऑटोमेटिक कंप्यूटर के अंदर चल जाता है। इट इज अ डिवाइस दैट रीड्स द टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन द पेपर एंड ट्रांसलेट्स द इन्फॉर्मेशन इनटू द फॉर्म, इनटू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ये जो भी अपने पिक्चर्स है या टेक्स्ट होता है पेपर पे, उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर के अंदर डालता है। टच पैड, ऐसे तो माउस आता है नॉर्मल कंप्यूटर में, लेकिन लैपटॉप में क्या होता है, टच पैड होता है। यहाँ पे एक स्क्रीन टाइप होती है जिसको हमें ऐसे ऐसे हिलाना होता है। द टच पैड इज यूज टू अ लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ माउस। माउस की जगह लैपटॉप में टच पैड यूज होता है। इट टचेस सेंसिटिव पैड, यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द फिंगर ऑन द टच पैड। यहाँ एक टच पैड होता है जिसपे हम उंगली करके हिलाते हैं, पॉइंटर को कहाँ ले जाना है उस पर क्लिक करके हम कोई भी फाइल खोलते हैं। जैसे माउस होता है कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए टच पैड होता है। लाइट पेन, इट इज सेलेक्टेड यूज इन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। इट इज यूज टू ड्रॉ फिगर्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। जब हम बड़ी बड़ी स्क्रीन पे पढ़ाते हैं ना, आप बड़े बड़े कॉलेजेस में देखते होंगे, स्क्रीन पे लाइट पेन के थ्रू पढ़ाई जाती है। कोई भी चीज ड्रॉ करना है तो वो स्क्रीन पे ऑटोमेटिक ड्रॉ होता है इस लाइट पेन के थ्रू। ठीक है, ये बहुत कम यूज आती है। कैमरा, डिजिटल कैमरा, या आए दिन हमारे घर में भी होता है डिजिटल कैमरा। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी फोटो को क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे कैमरे में कैद हो जाती है और कैमरे से हम एक वायर के थ्रू अपने कंप्यूटर में डाल देते हैं। इट इज यूज टू टेक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस। फोटोज वीडियोस टेक विद अ डिजिटल कैमरा आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी। इसके अंदर एक मेमोरी होती है, स्टोर्ड होती है चिप इनसाइड द कैमरा। एक मेमोरी चिप होती है छोटी सी जो कैमरे के अंदर होती है। देन द डिजिटल कैमरा इज प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर एंड द इमेजेस वीडियोस आर ट्रांसफर्ड इन द कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड एक्सेट्रा। क्या होता है, हम जब भी कोई फोटो खींचते हैं तो हमारे अंदर एक मेमोरी होती है कैमरे में, जैसे मोबाइल में भी होती है, अंदर ही मेमोरी होती है। हम अपना डाटा केबल लगाते हैं और कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं, उसी तरीके से कैमरे में भी होती है। वेब कैमरा, वेब कैमरा इज अ डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोस। इट इज प्राइमरी यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव लाइव चैट विद अवर फ्रेंड्स रिलेटिव्स यूजिंग इंटरनेट। वेब कैमरा पहले यूज होता था, आजकल क्या मोबाइल में ही हम वीडियो कॉल करते हैं ना, तो ऊपर एक छोटा सा कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा हम देखते हैं। तो दैट पहले कंप्यूटर पे भी ये लगाया जाता था चैटिंग करने के लिए। आजकल मोबाइल आने के बाद इसका यूज कम हो गया, लोग कंप्यूटर के ऊपर लगा देते थे और उसके थ्रू एक दूसरे को देख के बात कर सकते थे। अब उसकी जगह पे हमारा कैमरा आ गया जिस पे हम यूज करते हैं। तो आज हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा है और आगे हम इसके आउटपुट डिवाइस के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में हम अगले वीडियोस में तीन हिस्सों में इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा टोटल 4 लेसन ही है। तो हम थोड़ा सा आराम से चलेंगे। इन टॉपिक में जो चीज समझ में नहीं आएगा आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। ओके, हम आप करेंगे आपके नोटबुक के लिए वर्क दूंगा। आपको जीके की नोटबुक नहीं बनाना है, लेकिन कंप्यूटर की एक नोटबुक बनानी है। पहला ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। और डैश इज यूज इंस्टेड ऑफ माउस। माउस की जगह लैपटॉप में क्या यूज होता है, टच पैड। क्या यूज होता है, टच पैड। डैश यूनिट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, ये होता है ALU, सेकेंड बी, सेकेंड का बी। इसे नोटबुक में कर ले, जब लेसन एक्सप्लेन होगा तो आपको समझते जाएगा। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, अभी हमने पढ़े थे एक कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, 104, 104। डैश गिव रिजल्ट ऑन अ पेपर, कौन सा चीज हम करते हैं ना, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं पेपर पे निकल के आता है, वो किस चीज से निकलता है, प्रिंटर से। ठीक है, पेपर में कोई चीज प्रिंट आउट आती है तो प्रिंटर के थ्रू निकलती है। अब आते हैं हम, डैश डिवाइसेस शोज द रिजल्ट ऑफ अवर वर्क, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो हमारे वर्क को शो करती है, वो करती है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमारे वर्क को शो करती है। ठीक है, जो भी चीज हम टाइप करते हैं बाहर निकलती है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। सेकेंड बी भी आज ही करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
डैश यूनिट वर्क्स लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेजेस ऑल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर. कौन सा चीज है जो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है? कंट्रोल यूनिट, CU. द रिजल्ट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस, ओके. डैश इज यूज टू प्ले गेम्स. अभी हमने पढ़े थे गेम खेलने के लिए क्या यूज करते हैं कंप्यूटर में? जॉयस्टिक. जॉयस्टिक. डैश स्टोर्स ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डाटा. ओके. डैश स्टोर्स ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डाटा. इट्स सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डाटा. कंप्यूटर में कोई भी डाटा है और सॉफ्टवेयर कहाँ स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है. ठीक है, ये दो करेंगे. आगे का लेसन हम करेंगे तब हम प्रूव ऑफ फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. आप ये पूरी नोटबुक में अपना कंप्लीट करेंगे. ओके. और जो टॉपिक ना समझ में आए आप डेली स्कूल आ सकते हैं 10 बजे से 1 बजे तक ये पूछने के लिए.